अनन्या पांडे के लिए कर ही दिया वॉकर ब्लैंको ने प्यार का इजहार। पर्दे पर रोमांटिक होने वाला कौन है ये शख्स? अनन्या पांडे ने बहुत ही कम समय में फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए हैं। उन्होंने साल 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने करियर की शुरुआत की थी। कॉल मी बे एक्ट्रेस जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है, उससे कहीं ज्यादा वो सुर्खियां बटोरती है अपनी लव लाइफ को लेकर। 2 साल तक अनन्या पांडे ने आशिकी 2 एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट किया, लेकिन कुछ महीने पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके कुछ समय बाद ही एक खबर आई कि वो वॉकर ब्लैंको को डेट कर रही हैं, लेकिन कभी भी एक्ट्रेस ने उनके साथ रिलेशनशिप में होने की बात एक्सेप्ट नहीं की। अब हाल ही में वॉकर ब्लैंको ने एक्ट्रेस के बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उनके साथ अपने रिलेशन पर मुहर लगा दी है। 30 अक्टूबर 1998 में जन्मी अनन्या पांडे अभी अपना 26 बर्थडे मना चुकी हैं। उनके बर्थडे के मौके पर फैंस से लेकर उनका परिवार हर कोई उन्हें बर्थडे की विशेष दे रहा था। इस खास मौके पर वॉकर ब्लैंको ने भी एक्ट्रेस के लिए एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अनन्या को बर्थडे विशेष देते हुए उनकी तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। इस फोटो में अनन्या ने ग्रे कलर का टॉप पहना हुआ था और वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वॉकर ने एक्टर को बर्थडे विश करते हुए अपने प्यार का भी इजहार किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे ब्यूटीफुल, यू आर सो स्पेशल, आई लव यू एनी। अनन्या पांडे के बॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैंको शिकागो के रहने वाले हैं और फॉर्मर मॉडल हैं। कंट्रोल एक्ट्रेस की तरह वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। रणबीर कपूर ने पूरी की फिल्म रामायण की शूटिंग। इस टीवी एक्टर को मिला लक्ष्मण का रोल। नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण का फैंस दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे और सई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी। सेट से दोनों स्टार्स की कुछ फोटोज आ चुकी है, जिससे ये तो कन्फर्म हो गया था कि फिल्म की शूटिंग काफी ग्रैंड सेट पर हो रही है। वहीं अब फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। फिल्म से जुड़ा हुआ ये अपडेट इंदिरा कृष्णन ने दिया है, जो फिल्म में माता कौशल्या का रोल निभाती हुई नजर आएंगी। इंदिरा कृष्णन ने जॉइंट फिल्म्स के नाम से यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने फिल्म से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें की। उन्होंने फिल्म की कास्टिंग का भी खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं फिल्म रामायण की शूटिंग कर रही हूं और अब तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर कौशल्या का है और मैं रणबीर के साथ ये रोल कर रही हूं। फिल्म में रवि दुबे भी हैं और वो लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। इस बात में शक नहीं है कि ये फिल्म 100% हिट है, मैं तो इसे सुपरहिट कहूंगी। वहीं इंदिरा कृष्णन ने इस मौके पर रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि वो शानदार एक्टर हैं, लेकिन वो आम आदमियों से जुड़े हुए रहते हैं। इंदिरा कृष्णन ने बताया कि उन्हें कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना गया है और उन्होंने जिस तरह मेरी इज्जत की, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने ऐसे की होगी। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस और मालती के संग मनाया धनतेरस और रूप चौदस। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपने हस्बैंड निक जोनस और बेटी मालती मैरी के संग धनतेरस का जश्न मनाया। अब उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बार भी प्रियंका चोपड़ा अपनी दिवाली ससुराल में ही मनाने वाली है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी दिवाली को खास बनाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा अपने हस्बैंड निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ धनतेरस का जश्न मनाती हुई नजर आई। धनतेरस मनाने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा का परिवार अपने हाथ की तस्वीर क्लिक करवा रहा था। धनतेरस के दौरान प्रियंका चोपड़ा अपने हस्बैंड का हाथ थामे हुए दिखी, तो वहीं मालती का हाथ चूड़ियों से भरा हुआ नजर आया। मालती मैरी का ये अंदाज अब लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यही वजह है जो कुछ समय में ही मालती मैरी जोनस की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चूड़ी पहने मालती हाथ जोड़े दिख रही है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, हैप्पी धनतेरस टू ऑल, मैं भी अपने परिवार के साथ जश्न मना रही हूँ। दिवाली से पहले प्रियंका चोपड़ा ने करवा चौथ भी सेलिब्रेट किया था और इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ट्रैक सूट में निक जोनस के संग चांद देखती नजर आई थी। ट्रैक सूट लुक को देसी टच देने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने मांग में सिंदूर लगाया हुआ था और इस दौरान प्रियंका अपनी मां मधु चोपड़ा से वीडियो कॉल पर बातें करती हुई नजर आईं। प्रियंका चोपड़ा के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। यही वजह है जो प्रियंका चोपड़ा के करवा चौथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। विवेक ओब्रॉय ने शादी के 14 सालों बाद शेयर की गुड न्यूज। वाइफ के साथ रोमांटिक तस्वीर देखकर लोग बोले खुशी का माहौल। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओब्रॉय ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ गुड न्यूज शेयर की है। धनतेरस के मौके पर विवेक ओब्रॉय ने अपनी वाइफ के साथ नए घर में गृह प्रवेश किया। इस दौरान दोनों ने घर में पूजा रखी थी और एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। गृह प्रवेश की तस्वीर में विवेक ओब्रॉय अपनी वाइफ पर जमकर प्यार लुटाते हुए नजर आए। पूजा के बाद ली गई इस तस्वीर में विवेक अपनी वाइफ को बाहों में थामे
पहने हुए दिखाई दिए। इस दौरान एक्टर ने प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ है और एथनिक लुक में विवेक काफी हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें उनकी वाइफ प्रियंका की, तो वो गुलाबी साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी और सिंपल अंदाज में खुश भी नजर आ रही है। विवेक ओब्रॉय ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 14 सालों पहले अग्नि के सामने मैंने अपनी वाइफ प्रियंका को प्यार करने और साथ निभाने का वचन दिया था। आज धनतेरस के शुभ अवसर पर हम अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ अपनी खूबसूरत से नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। विवेक ओब्रॉय का ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है और नेटिजन्स उनके नए घर के लिए उनको बधाइयां दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम यूजर्स इस जोड़ी को भी काफी पसंद कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में प्यारे कमेंट भी लिखे गए हैं। अर्जुन कपूर के ब्रेकअप कंफर्म करने के बीच मलाइका अरोड़ा ने किया ऐसा पोस्ट। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर काफी महीनों से ब्रेकअप की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। दोनों ने साल 2018 से एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, लेकिन 6 साल बाद उनके अलग होने की खबर ने उनके फैंस को चौंका दिया था। महीनों तक दोनों अपने ब्रेकअप को लेकर शांत रहे, लेकिन बीते दिनों अर्जुन कपूर ने इसको लेकर कन्फर्मेशन दे दी है। अर्जुन कपूर ने राज ठाकरे की दिवाली पार्टी में मलाइका के साथ अपने ब्रेकअप को कन्फर्म कर दिया है। सिंघम अगेन की कास्ट के साथ पार्टी में पहुंचे अर्जुन ने साफ कर दिया कि अब वो फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। उन्होंने कंफर्म किया कि वो अभी सिंगल हैं। अब मलाइका ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही उथल पुथल की ओर इशारा कर रहा है। एक्ट्रेस के कोट में लिखा है, एक सेकंड के लिए दिल को छूना किसी की आत्मा को जीवन भर के लिए छू सकता है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की खबरों ने उस वक्त जोर पकड़ लिया जब जून में एक्ट्रेस ने उन्हें बर्थडे विश नहीं किया। फिर मलाइका के बर्थडे पर भी सिंघम अगेन के एक्टर ने कोई पोस्ट शेयर नहीं किया। कभी दोनों एक दूसरे का बर्थडे ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते थे, इंटरनेशनल टूर करते थे, लेकिन आज वो एक दूसरे को विश भी नहीं करते। इन इशारों ने फैंस को यकीन दिला दिया कि वो साथ नहीं है।